कहते हैं ना कि भारत देश गांवों में बसता है, क्योंकि भारत देश की लगभग 65% आबादी गांवों में निवास करती है, और जो आबादी गांवों में निवास करती है उसमें लगभग 85% जो किसान हैं वो लघु सीमांत कैटेगरी में आते हैं। जमीन का साइज कम होने के कारण और दिनों दिन जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण जो भूमि उपलब्ध है वो भी कम होती जा रही है। भारत देश के ज़्यादातर किसान एकल फसल प्रणाली को प्राथमिकता देते हैं, जिसके क्या क्या नुकसान हैं वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एकल फसल प्रणाली के जो नुकसान हैं उनसे बचने के लिए खासकर जो छोटे किसान लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं वो किसान समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर एकल फसल प्रणाली के जो नुकसान हैं उनसे बच सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली में क्या क्या कंपोनेंट शामिल हैं आइए उन पर एक बार चर्चा करते हैं। जो अपने पास जमीन उपलब्ध है, लघु सीमांत श्रेणी के किसानों का मतलब है सीमांत किसान, जो सबसे छोटा किसान होता है जिसके पास 1 हेक्टर तक की भूमि होती है, और लघु किसान जिसके पास 2 हेक्टर तक की भूमि होती है। अपने पास उपलब्ध जो कृषि योग्य भूमि है उसको इस तरह कंपोनेंट में डिवाइड करके उसको विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इसके कंपोनेंट क्या क्या है जानते हैं। इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है फसल उत्पादन। परिवार की खाद्य आवश्यकता, मृदा स्वास्थ्य एवं आय कमाने के लिए फसल उत्पादन करना चाहिए, जिसमें खाद्यान्न फसलें या नकदी फसलें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद का जो दूसरा कंपोनेंट है वह है बागवानी, उद्यान की फसलें। इसमें बाजार मांग के अनुरूप नींबू, संतरा, अमरूद, आंवले आदि फलदार वृक्ष किसान भाई लगा सकते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है पशुपालन इकाई एवं इससे संबंधित घटक। जैसे कि जो सबसे पहला घटक है वो है डेयरी इकाई। इसके लिए किसान भाई एक गाय और एक भैंस पाल सकते हैं। दूसरा घटक है बकरी पालन। तीसरा घटक है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में अच्छी प्रजाति की जो मुर्गियां होती हैं उनको पाल सकते हैं, जैसे धन हो गया या कड़कनाथ हो गया। बकरी पालन के लिए सिरोही नस्ल की जो किस्मों प्रजाति होती है बकरियों की वो पाल सकते हैं। उसके बाद हरा चारा इकाई। इसमें पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन करने के लिए हरा चारा इकाई की स्थापना होती है, और जैविक खाद उत्पादित करने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई, नाडेप इकाई, सुपर कंपोस्ट इकाई आदि इकाइयों का स्थापना करके जैविक खाद उत्पादित किया जा सकता है। और अजोला इकाई, पशुओं के लिए अजोला एक तरह की एक्वाटिक फर्न है, जलीय फर्न है, जो बहुत ही पौष्टिक होती है, और पशुओं के लिए चारे के रूप में इसका उपयोग लिया जा सकता है। साथ ही जो फसल उत्पादन इकाई है जैसे धान हो गया, इसमें भी अजोला को अपन एक बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो घटक है वो है गोबर गैस इकाई। ईंधन की आपूर्ति के लिए गोबर गैस इकाई की स्थापना करनी बहुत ही जरूरी है। गौमूत्र संग्रहण एवं मड पंप इकाई। गौमूत्र संग्रहण करके जैविक कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं, जिनको अपन फसलों पे छिड़क करके जैविक उत्पाद प्रोड्यूस किया जा सकता है। पोषण वाटिका, इसमें परिवार की आवश्यकता के अनुसार
हरी पत्तेदार सब्जियां, कंद या अन्य सब्जियां उगाई जा सकती है, और थोड़ा बहुत जो उत्पाद बचता है उसको नज़दीकी मंडी में बेचा जा सकता है और आय भी कमाई जा सकती है। मेड़ों पर वृक्षारोपण, इसमें सहजनी हो गया, अरड़ू हो गया, केरोंदा हो गया, अनार हो गया, या बेल वाली सब्जियां लगाकर अतिरिक्त आय कमाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, यह एक प्रकार से समन्वित कृषि प्रणाली है जो परिवार की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के अलावा अतिरिक्त आय भी किसान भाई कमा सकते हैं। और इन कंपोनेंट को अपन एक तरह से समझें तो अपन को मार्केट में जो उपलब्ध कृषि आदान है उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों को एकल फसल प्रणाली छोड़कर समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी बहुत ही जरूरी है, खासकर जो किसान लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन भी भेज सकते हैं। नमस्कार।